हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुजिता किचन में। आज हम आपके लिए बचे हुए चावल के पकौड़े की रेसिपी लाए हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने स्टार्ट करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी बचा हुआ चावल लिया है। चावल को हम बाउल में डालेंगे। अब हमने 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को हम इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। आलू को हम इस तरीके से कद्दूकस करेंगे ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना हो और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन। एक छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन, 2 चुटकी हींग। फ्लेवर में और डाइजेशन में ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से तीखा ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। हम सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे मैश करके मिक्स करना है। हमने सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम इसके गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल को हमने बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें गर्मा गर्म पकौड़े को फ्राई करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से घोल कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे पकौड़ों को गर्मा गर्म तेल में बनाकर डालेंगे। तेल में हमने पकौड़ों को डाल दिया है। अब हम पकौड़ों को एक साइड से हाई फ्लेम पर फ्राई होने देंगे अच्छे से। पकौड़ों को हमने एक साइड से हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। पकौड़े दूसरी साइड से भी अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा और भी अच्छे से उलट पलट कर फ्राई करेंगे। पकौड़ों को हमने अच्छे से उलट पलट कर फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारे गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो गर्मा गर्म बनकर तैयार है हमारे बचे हुए चावल के पकौड़े, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। आप इसे चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं और आप इसे गर्मा गर्म नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे बचे हुए चावल के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।